लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बस्तर के सांसद दीपक बैज ने भाजपा उम्मीदवार लच्छूराम कश्यप को पिटा हुआ मोहरा बताया। बैज ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी क्षेत्र में नया चेहरा है, दूसरी ओर बीजेपी में कोई चेहरा नहीं था जो पिछले चुनाव में 18,000 वोट से हारा है। उसी घिसे पिटे मोहरे को बीजेपी ने लाकर खड़ा कर दिया है। एक ओर 70 साल का बुजुर्ग और दूसरी ओर युवा नेता, किसे चुनना है ये जनता बेहतर जानती है। कांग्रेस का एक हमारा नया प्रत्याशी है और हमारा साथी रहा, मित्र रहा। निश्चित रूप से आज उनको मौका मिला है, जनता स्वीकार करेगी, युवा चेहरा है। दूसरी ओर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, और जो पिछले समय लगभग 18,000 से हारा हुआ, उससे पहले अभी हारा हुआ, एक मतलब एक अति बुजुर्ग और घिसा पिटा पिटा हुआ मोहरा है। मतलब कैंडिडेट नहीं होने के बाद एक मजबूरी में उसको प्रत्याशी बना।